अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं अर्न विद शफीक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्स कॉइन के बारे में। एआई कॉइन है ये भी, और 10 दिन के बाद इसकी हेल्विंग है और ये बहुत ऊपर जा चुका है। बहुत तो नहीं कह सकते, यानी कि काफ़ी ऊपर जा चुका है। उसके बाद हेल्विंग के दौरान 10 दिन पड़े हैं अभी, और ये 10 दिन के अंदर पता नहीं कितना अप जाएगा, ये तो कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ कि अगर आपकी इस पर नज़र नहीं पड़ी और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है इस कॉइन के बारे में, और आप अभी नहीं जानते कि हेल्विंग से कितनी कॉइन पंप करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि इसकी प्राइस प्रोडक्शन कितनी होने जा रही है, मज़ीद ये कितना अप जा सकता है या इतना अप नहीं जाएगा, डाउन आएगा, आपको कहां से एंट्री लेनी चाहिए, ये हम कंप्लीट से बात करेंगे। तो ऐसे अफराद जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करने के साथ साथ ऑल पर क्लिक किया करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपकी तरफ नोटिफिकेशन फौरी आ जाए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले मार्केट का जायज़ा ले लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, आज सैटरडे है, तो मार्केट सैटरडे संडे को वॉल्यूम कम होने की वजह से बहुत ही स्लो मूवमेंट करती है, तो मार्केट इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगी। लेकिन कुछ कुछ कॉइन्स हैं वो आप जा सकते हैं, तो लेकिन मोस्टली मार्केट जो है वो साइडवेज चलती है वीकेंड पर, ये आपने ध्यान में रखना है। तो एवलांच अप गया है 24 आवर्स में, और उसके बाद थोड़ी सी मूवमेंट की है मोनेरो ने की है, और फिर नियर प्रोटोकॉल ने भी थोड़ा सा दिखाया है अल्गो, उसके बाद माना। मैं माना से याद आया, मेटावर्स के जितने भी कॉइन हैं, जैसे AXS है, माना है, सैंडबॉक्स है, ठीठा है, यानी कि इतने बड़े बड़े ये कॉइन है, गाला कॉइन है, इन पर आपने ख़ास नज़र रखनी है। जैसे ही आपको ये नीचे मिले, डिप में मिले, आपने बोलना नहीं है इनको बाय करने से, ठीक है ना, फौरी आपने बाय करनी है। ये CHZ भी ऐसे ही है। तो ये मैं आपको अब बगैर टाइम वेस्ट किए आपको सीधा उस कॉइन की तरफ लेकर चलता हूँ। उस कॉइन का नाम है, क्या नाम है जी, फ्लक्स। ये देख सकते हैं, फ्लक्स ही टोकन है, फ्लक्स ही कॉइन है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 131 नंबर पर मौजूद है, और 91 सेंट पर इस टाइम इसकी प्राइस है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं मेरी वीडियो आप कब देखते हैं, प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये देख सकते हैं आप, लो इसने ला 24 आवर्स में 72 सेंट का लगाया, और कहाँ 90 सेंट पर ये मौजूद है। 17% ये अप जा चुका है लास्ट 24 आवर्स में, तो ह्यूज मूवमेंट है। AI बेस्ड कॉइन है ये, और 10 दिन के बाद इसकी हेल्विंग है। आपने इसको बोलना नहीं है, नज़र में रखना है। मैंने इसकी बाइंग जो है वो 85 सेंट से कर ली थी, लेकिन अब मैं डाउन आने का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही मज़ीद डाउन आएगा मैं इसकी फिर बाइंग शुरू करूँगा, और इसका टारगेट भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन ट्रेडिंग व्यू में मैं आपको थोड़ा सा लिए चलता हूँ, और इसका कैंडल चार्ट दे लेते हैं, कैंडल्स की क्या कह रही हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से इसने मूवमेंट शुरू की है और मुसलसल ये ऊपर गया है। ये $1 के करीब 99 सेंट भी ये लगा कर आया है, ये आपके सामने है, 99 सेंट लगा कर ये अब डाउन आ रहा है। आपने ये डाउन आने का वेट करना है तो लाजमी कीजिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 78 सेंट इसकी बेहतरी, 80 सेंट इसकी बेहतरीन एंट्री होगी अगर आप लेंगे, और दूसरी एंट्री इसकी होगी 70 सेंट पर, ठीक है। पहली एंट्री 78 सेंट टू 80 सेंट, और दूसरी 70 सेंट, और तीसरी अगर आपने लेनी है, DCA भी करना है, तो फिर आप इसकी कर सकते हैं 60 सेंट पर बाय कर सकते हैं। तीन एंट्रीज मैंने आपको बताई, कौन सी, 80 सेंट, 70 सेंट और 60 सेंट, ये आपने जेहन में रखना है मोटा मोटा, सही है। DCA करके बाय कीजिएगा अगर करना हो तो, अदरवाइज आप अपनी रिसर्च करके इसको बाय कर सकते हैं। इसका टारगेट जो मैं आपको बताता चलूँ, इसका टारगेट जो है वो मेरे नज़दीक $1.5 पहला ये लगाएगा। यहाँ से 2x हो सकता है, लेकिन $2 भी इसका, ये 2.05 इसका क्या नाम है, इसका हाई है, एक वन ईयर लो का। नीचे चल के अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका स्टैटिस्टिक्स में जाकर देखते हैं कि ऑल टाइम हाई इसका क्या है। ऑल टाइम हाई इसका $4 है, $4.25 के करीब है, जो कि December 10 को इसने 2021 में लगाया था, और इसने उससे 2 साल पहले लो भी लगाया हुआ है, और मैं ये देख रहा हूँ इसी साल इसको अपना हाई तोड़ते हुए। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं वो ठीक सुन रहे हैं। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ कि इस साल ये
अपना हाई भी तोड़ देगा इजिली, क्योंकि एआई बेस्ड है, एआई का बिग ईयर फॉर एआई है, तो इसको आपने बिल्कुल अपनी वॉच लिस्ट में रखना है इस कॉइन को, और ये मामूली सा इसको नहीं समझना, जैसे ही डिप में नज़र आए तो इसको बाय कर लेना। मार्केट्स की बात की जाए तो ये बड़े बड़े एक्सचेंज पर अवेलेबल है, ये दे सकते हैं, बाइनांस पर भी अवेलेबल है, के यू कॉइन पर भी, पैनकेक स्वैप में भी, और gate.io पर भी, बड़े बड़े एक्सचेंज पर ही आपको मिल जाएगा ईजिली। अच्छा कॉइन है, बेहतरीन, इसकी मूवमेंट भी बड़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं कि 72 सेंट से 96 सेंट तक इसने हाई लगाया और ह्यूज मूवमेंट है, और इसको लोग वॉच भी बहुत कर रहे हैं, ये देखें वॉच लिस्ट में लोगों ने रखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, इसकी सप्लाई भी इतनी ज़्यादा नहीं है और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी कम है, टोटल सप्लाई भी कम है, मैक्सिमम सप्लाई भी कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। वॉल्यूम इसमें आ रहा है, वॉल्यूम जैसे जैसे आएगा इसका रैंक कम होता जाएगा, यानी कि नीचे आता जाएगा ये, और जैसे ही टॉप 100 में आया तो वॉल्यूम और इंक्रीज़ हो जाएगा और मार्केट कैपिटल भी इसका काफ़ी इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा अप जा सकती है। तो एहतियात से ट्रेडिंग कीजिएगा, अभी ये ऊपर जा ही जा रहा है, अभी इसमें आपने पूरा पैसा नहीं फेंकना, जैसे ही आपको डिप में नज़र आए आपने इसको बाय करना है, DCA करके बाय कीजिएगा, डॉलर कॉस्ट एवरेज के साथ 10-10% 15-15% करके, तो $100 अगर हैं तो वो लगा लीजिए, ठीक है। मैं आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।